वैसे यार जब ये पिस्ते का इतना अच्छा जायका आ रहा है, इतना मज़े का बनाया है, तो बाकी इसके जो मेवे, खुश्क मेवे हैं, जैसे कि बादाम हो गया, चिलगोज़ा हो गया, और भी बहुत से ड्राई फ्रूट हैं, तो उसका जायका कैसा होगा यार? सर आपने मिल्क शेक कौन कौन से पिए हैं? यार मिल्क शेक तो मेरे ख्याल मैंने तो कभी मिल्क शेक नहीं पिया, अलबत्ता आइसक्रीम वगैरह खाई है। हाँ आइसक्रीम इसी चैनल पे भी हम लोग ने खाई। मिल्क शेक के बारे में सुने? पिस्ता का। पिस्ता मिल्क यार, वैसे पिस्ता और बादाम या खजूर ये तो सर्दियों में हम अक्सर खाते हैं और दूध में मिलाकर भी खाते हैं, लेकिन पिस्ता शेक ये तो नहीं। हमारे यहाँ केक मिलते हैं बेकरी पे, उस पे जो ना छोटे छोटे टुकड़े करके पिस्ता और ये डले होते हैं, सर बिस्किट भी आज आते मैं हैं। आपको पिस्ता मिल्क शेक पिलाऊंगा, आप पिए और फिर अपना फीडबैक दें, ठीक है? चलो बढ़िया। पिस्ता यार वाकई, पिस्ता तो वाकई बहुत ही, और इस पे डब्बे पे बना भी है पिस्ता। हाँ ये पिस्ते रहे ना इतने बड़े बड़े, डब्बे का कलर भी पिस्ते का दिया हुआ है, पिस्ता ही कलर। और यार इसकी पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त से बनाई हुई है, और मेरा ख्याल इसको ये ढकना खोल के यहीं से, और ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है इसका। हमारे यहाँ तो जूस जो मिलते हैं वो मैंगो वाला, उसमें वो नलकी सी लगाते हैं और फिर उसके साथ पीते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये जैसे वो बोतल पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस तरह बिल्कुल बना दिया। हाँ यार ये तो फिर डब्बा बाद में भी काम आ सकता है कि कहीं सफ़र पे जाए तो पानी भर के ले जाए इसे। ये सही, डबल काम। वैसे यार जायका तो बिल्कुल ओरिजिनल पिस्ते का, ऐसा लग रहा है जैसे पिस्ते को उसमें पीस पीस के डाला गया हो भर के। और इसका गाढ़ापन भी कुछ ज़्यादा ही है, यानी इतना गाढ़ा है कि जबान पे चिपक रहा है। वैसे यार पहले हमने इस टेबल पे पिस्ता आइसक्रीम तो खाई थी, लेकिन इसका जायका बिल्कुल अलग है, ऐसा लग रहा है इसमें क्रीम वगैरह डाली हुई हो, मतलब कस्टर्ड वगैरह डाल के ना इस तरह बनाई हो, इस जायका बिल्कुल अलग आ रहा है ऐसा। यार वैसे जो है ना बाहर ममालिक के तो जितने भी मशरूब रहते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बने हुए होते हैं, और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे यार जब ये पिस्ते का इतना अच्छा जायका आ रहा है, इतना मज़े का बना है, तो बाकी इसके जो मेवे, खुश्क मेवे हैं, जैसे कि बादाम हो गया, चिलगोज़ा हो गया, और भी बहुत से ड्राई फ्रूट हैं, तो उसका जायका कैसा होगा यार? वाकई यार ये तो मतलब बाहर ममालिक में तो खैर बहुत सी चीज़ों के होंगे, अगर इसके अलावा भी, अगर मैं तो अपने नाज़रीन से पूछना चाहूँगा, अगर इसके अलावा भी किसी ड्राई फ्रूट का अगर इस तरह का शेक है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम वो भी ट्राई करें। वैसे यार इसका जायका ऐसा हल्का मीठा है, और पिस्ते का जायका भी हल्का है, बाकी ये कि दूध का जायका बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खनी मक्खनी वैसा हो। वाकई यार मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ये, और मेरे ख्याल में अगर ऐसा मिल्क शेक रोज़ हो ना तो रोज़ सुबह पीना चाहिए ना। सुबह सुबह तो मज़ा आ जाए, बहुत ही मज़ा, गाढ़ा दूध और ये शेक। उल्टा करो या सीधा करो ये गिरेगा नहीं, गिरेगा। और बच्चों को भी जो है ना अगर स्कूल बैग में डाल कर दो तो भी मतलब हल्की वाली भी टेंशन नहीं है, बच्चे परेशान नहीं हो, बस ढक्कन खोला और पानी की तरह बोतल जैसे पीते हैं ऐसे पी ली। मज़ा आया सर आपको ये पिस्ता मिल्क शेक पीकर? भाई वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त। तो आप क्या चाहते हैं, अपने नादिन को पीना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे नाज़रीन तो खैर पीते होंगे, बाहर ममालिक में तो ये चीज़ें आम हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये पिस्ते वाला ज़रूर पिया करें, बहुत ही मज़ेदार। वाकई इसका जायका बहुत अच्छा है, पिस्ते वाला तो बहुत मज़े का बना। और इसके अलावा कोई जो भी मतलब ऐसा कोई मिल्क शेक है यानी कि किसी ड्राई फ्रूट में, तो हमें ज़रूर बताएं।